हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी पीटी 365 की सीरीज में, जहां पर हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अभी आपके पास ऑफर है 20% ऑफ पाने का ऑन ऑल द यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने की आपकी सेविंग हो रही है, तो इसको जरूर कंसीडर करिए। ऑल्सो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो देखो अभी अच्छा मौका है, अभी आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो जरूर इसका फायदा उठाओ। एंड ऑफर इज गोइंग टू एंड टूडे, हेंस आप जरूर इसको कंसिडर करें। आरंभ बैच फॉर यूपीएससी सीएससी स्टार्ट हो चुका है 13th of April से, तो आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है, आप चाहिए तो इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो ऑप्शनल कार्निवल वीकेंड चल रहा है, एंड ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऑप्शनल के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, आप कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी है, क्या टाइम टेबल बनाना है, तो ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। एंड 15th to 16th April ये चलने वाला है, तो यू कैन स्कैन द QR कोड नाउ एंड यू कैन एनरोल नाउ। ऑल्सो ऑप्शनल आप इन सब एजुकेटर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, 9th of April से स्टार्ट हो गया, एंड ऑल्सो डिस्काउंटेड प्राइस पर अभी आपको ये मिल रहा है। एंड बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको यहाँ पर यूज करना है कोड AMSLIFE। ठीक है, अगर आप AMSLIFE कोड का इस्तेमाल करते हो तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% का ऑफ। एंड अगर आप कोई ऑप्शनल क्लास भी ले रहे हैं, ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको यही कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AMSLIFE। ठीक है, अगर कोई भी और दिक्कत है, ये रहा नंबर, यहाँ पर मिलाना कॉल एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉटन कल्टीवेशन से हमें स्टार्ट करना था। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है सर्टेन टाइप्स ऑफ जीनोम एडिटेड क्रॉप्स को फ्रॉम स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड, जब हम GM क्रॉप्स की बात करते हैं, ठीक है, उनके बारे में बोला गया, जिससे फर्दर हम R&D कर सके, उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। अब देखो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की यहाँ पर बात करी जा रही है, तो GM टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करता है कि आप क्या कर रहे हो, DNA को इंसर्ट कर रहे हो इन टू द जीनोम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। एंड जीनोम की अगर हम बात करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एडिट अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN1, SDN2, SDN3, है ना। SDN1 एंड SDN2 में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे तो फिर भी इंडिजीनियस आपका है, पर SDN3 में कंप्लीटली फॉरन कहीं ना कहीं आप जो एडिटिंग है वो कर रहे हो, या फिर जीन को आप इंट्रोड्यूस करते हो। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो है वो रेगुलेशन को देखती है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, एंड विद रिस्पेक्ट टू द GM मटेरियल बेसिकली ये रेगुलेशन को देखती है। अब देखो, BT कॉटन की अगर हम बात करें, BG1 एंड BG2 ये इकलौती GM क्रॉप है जो कि JAC ने कहीं ना कहीं कमर्शियल पर्पसेस के लिए अप्रूव कर दी है। हरियाणा ने रिसेंटली NOC कहीं ना कहीं वो लेकर आए थे टू कंडक्ट फील्ड ट्रायल ऑफ BG2 RRF, जो भी क्या है, एक तरीके से हर्बिसाइड टॉलरेंट है एंड ऑल्सो इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है BT कॉटन की। अब ये जो BG2 RRF है, ये याद रखना हरियाणा से रिलेटेड है, ठीक है, हर्बिसाइड टॉलरेंट है, एंड ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट द डिवास्टेटिंग पेस्ट अटैक, जैसे कि अमेरिकन वुलवर्म जो बीमारी है उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है, इन सबसे बचाने में मदद करेगी। अब अदर रिलैक्सेशन ऑन द रेगुलेशन ऑफ GM क्रॉप अगर हम देखें, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है SDN1 एंड SDN2 जीनोम एडिटिंग प्लांट्स को फ्रॉम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मैन्युफैक्चर के लिए, यूज के लिए, इंपोर्ट के लिए या फिर एक्सपोर्ट के लिए एंड स्टोरेज के लिए ऑफ हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल रूल्स 1989। अब देखो, SDN1 एंड SDN2 जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एलियन जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व नहीं होता एंड द एंड रिजल्ट इनडिस्टिंग्विशेबल होता है फ्रॉम द कन्वेंशनली ब्रेड क्रॉप वैरायटी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम SDN3 की बात करें, यहाँ पर क्या है, कंप्लीटली आप कहीं ना कहीं फॉरन आप जो जेनेटिक मटीरियल है आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो, एंड ये इन्वॉल्व करता है लार्जर DNA एलिमेंट को या फिर फुल लेंथ जीन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, कॉटन के बारे में अभी देख लेंगे, पहले कॉटन के बारे में देख लेते हैं कि कॉटन क्या है, खारिफ क्रॉप है एंड ब्लैक कॉटन सॉइल जो है उसके अंदर काफी अच्छे से ग्रो करती है क्योंकि वहां पर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है, स्पेशली डेकन प्लेटो के एरिया के अंदर हमें ये देखने को मिलती है। एनुअल टेम्परेचर की बात करें, 20 से 28 डिग्री सेल्सियस का चाहिए
एंड रेनफॉल की अगर हम बात करें तो 55 टू 110 सेंटीमीटर आइडियल माना जाता है। मिनिमम 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज भी इसको मिलने ही चाहिए। अगर हम हमारे देश की बात करें कौन कौन से स्टेट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी इसको प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया ग्रो करता है चार तरीके के कल्टीवेटेड कॉटन को, ठीक है, गॉसिपियम एरबोरियम, फिर हर्बेसियम, फिर उसके बाद जी गार्बेड डेंस, फिर उसके बाद जी हर्सुटिम, ठीक है। यूपीएससी पूछ सकता है ये सब किसके नाम है, पहले भी पूछ चुका है, तो याद रखना कि इट इज अट बेसिकली दीज आर द नेम्स ऑफ द कॉटन वेराइटी। ओके चल, अब देखो, नो द टर्म ब्राउन कॉटन की अगर हम बात करते हैं, ब्राउन कॉटन को कांडू भी कहते हैं एंड ये एक लोकल है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे कर्नाटका के अंदर मिलता है। इंडिजिनियस वेराइटी है देसी कॉटन की एंड रेन फेड वेराइटी है कॉटन की, वेल सूटेड है साउथ इंडियन एनवायरमेंट के तौर पर। पेस्ट एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट है ये, ऑल्सो एंटायर डाइंग प्रोसेस एलिमिनेटेड हो जाता है, ठीक है, विद द ब्राउन कॉटन एंड डाई ट्रीटमेंट आर लिमिटेड, देयर इज लेस यूजेज ऑफ वाटर एंड लेस वेस्ट वाटर भी हमें देखने को मिलता है, तो इसके फायदे ही फायदे हैं। ऑल्सो फैब्रिक इज ऑल्सो नॉन एलर्जिक जो कि इससे बनाया जाता है एंड हैज एन एक्सेलेंट यूवी सन प्रोटेक्शन, ठीक है, तो यूवी सन प्रोटेक्शन अगर हम बात करें तो वो भी हमें इसके थ्रू मिलता है। अब देखो क्या प्रॉब्लम है जो कि कॉटन फेस कर रहा है। सबसे पहले तो ये बीमारी है पिंक बुलवॉर्म। रिसेंटली ये जो पिल बुलवॉर्म इन्फेस्टेशन है, इट वॉज रिपोर्टेड एट अर्ली स्टेज, अगर हम पंजाब एंड हरियाणा की बात करते हैं। एंड ये क्या है, एक तरीके का इंसेक्ट है जिसको पेस्ट ऑफ कॉटन भी कहते हैं एंड इट इज नेटिव टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। एडल्ट फीमेल जो होती है वो इसकी ले एग करती है ऑन द कॉटन बॉल्स एंड वंस हैच जो लार्वा होता है, लार्वा ईट द सीड एंड डैमेज द फाइबर्स ऑफ द कॉटन, तो अगर एक बार डैमेज हो गया तो उसके बाद क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है। इट इज रेजिस्टेंट टू फर्स्ट जनरेशन ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन एंड इंसेक्टीसाइड्स, ठीक है, एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो जीएम मस्टर्ड DMH11 की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इन्वायरमेंटल रिलीज इसका एंड इट इज मेड थ्रू द बार्नेस बार्स्टर सिस्टम, जो कि एक हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन सिस्टम है जिसको यूज किया जाता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर, जिससे हम क्रॉप यील्ड को इनक्रांस कर सकें, एडेप्टेशन को एनहांस कर सकें, इसलिए इसको हाइब्रिड वेग्र रॉ हेरिटोसिस भी कहते हैं। इट कंटेन्स टू एलियन जीन्स जो कि आइसोलेट किए जाते हैं फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम, क्या क्या नाम है, बेसिलस एम एमाइलो ल्यूक्यूफेसिन्स, ठीक है, एंड इट इज डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स बाय क्रॉसिंग इंडियन मस्टर्ड वेराइटी वरुण एंड एक भारतीय यूरोपियन वेराइटी है जिसका नाम है अर्ली हीरा टू, ठीक है। तो किस किस को मिलाकर बनाया गया इस पर्टिकुलर मस्टर्ड DMH11 को, हमारी देश की वरुण एंड अगर हम ईस्ट यूरोप की बात करें तो अर्ली हीरा टू से ये बना है। द फील्ड ट्रायल ऑफ GM DMH11 ने शो किया कि 28% हायर यील्ड हुई है देन द नेशनल चेक, जो वरुण वाली वैरायटी है उसके कंपेयर में अगर हम देखें, एंड हेंस यहाँ पर ये कोशिश करी जा रही है कि इसको हम कहीं ना कहीं लेकर आ सके। चलो अगला देखते हैं, अगला है जूट कल्टीवेशन। अब एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट इंडिया का जो जूट इकोनॉमी है वो डिक्लाइन कर गई है, 1.77 बिलियन टन हो गई है इन 2021-2022 की अगर हम बात करते हैं, फ्रॉम 2.03 मिलियन जो कि 2011-12 में हुआ करती थी, एंड एवरेज एरिया अंडर जूट कल्टीवेशन भी हमारा डिक्लाइन होता चला जा रहा है। अब इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ अगर हम जूट की बात करते हैं, फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड चाइना, एंड इन इंडिया की अगर हम शेयर की बात करें 7% ऑफ द ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट हमारे देश से ही कहीं ना कहीं होता है। जूट एंड जूट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्रैश क्रॉप है, गोल्डन फाइबर भी इसको कहते हैं, लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी नेचुरल फाइबर है एंड टेक्सटाइल एप्लीकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड प्राइमरली वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा के अंदर ये देखने को मिलता है। ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए, टेम्परेचर चाहिए 24-38 डिग्री सेल्सियस के बीच में। गंगा डेल्टा कहीं ना कहीं एक्सेलेंट माना जाता है फॉर द जूट कल्टीवेशन, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल होती है और जो फेवरेबल टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है और मिनिमल रेनफॉल की जो जरूरत है 1000 mm की वो भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। अब देखो विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट इन इंडिया, तो यहाँ पर देखो बताया हुआ है कलर वाइज की कौन ज्यादा है कौन नहीं, तो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल 7.64%, उसके बाद बिहार, उसके बाद ओडिशा, ठीक है, तो WBO से आप इसको याद कर सकते हैं। अब स्टेप टेकन बाय द जूट इंडस्ट्री की मैंडेटरी पैकेजिंग होनी चाहिए जूट मटेरियल्स की, गोल्डन फाइबर है ये इसलिए प्रमोट करो, जूट मार्क इंडिया लोगो भी लेकर आया गया
सर्टिफिकेशन है एक तरीके से ऑथेंटिसिटी का जूट प्रोडक्ट्स का, एंड ईच जूट मार्क लेबल विल नाउ हैव अ यूनिक क्यूआर कोड जिसको आप स्कैन कर सकते हैं, एंड कस्टमर कैन नो अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हुई, डोमेस्टिक मार्केट में कैसे आए, इंडिया का क्या एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये सब वो जान सकते हैं। फिर जूट आई केयर, अगर हम बात करें, सर्टिफाइड सीड्स हैं जो कि साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू कहीं ना कहीं बने हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जूट स्मार्ट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोक्योरमेंट होता है जूट सैकिंग का। अब देखो, नेशनल जूट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल जूट बोर्ड एक्ट 2008, एंड इसका मेन काम यही है, मेन थॉट यही है कि जूट इंडस्ट्री हमारे देश की बेहतरीन बनानी है, वर्ल्ड के कंपेयर में अगर हम देखें इंडिया को आगे लेकर जाना है, एक्सीलेंस अचीव करना है, गुड क्वालिटी जूट गोड्स लेकर आने, ऑल्सो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जूट का प्रोडक्शन हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेकर आए। अदर फंक्शंस ये हैं कि इसके अलावा भी ये है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल प्राइसेस में जूट अवेलेबल हो। अब इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, एंड सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इस पर्टिकुलर बोर्ड का, नेशनल जूट बोर्ड का। आगे बढ़ते हैं, ड्राफ्ट कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्लान कर रहा है कि वो रिप्लेस कर दे कॉफी एक्ट 1942 को, क्योंकि काफी पुराना हो गया है, एंड एक नया न्यू कॉफी प्रमोशन डेवलपमेंट बिल लाने की यहाँ पर बात करेंगे। अब देखो, कॉफी के बारे में बात करी जा रही है तो हो सकता है आप सब में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे कि चलो कॉफी पी लेते हैं, तो इफ यू वॉन्ट तो आप कॉफी भी इस समय पी सकते हैं। अब देखो, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, 33 मेंबर्स होते हैं इसमें इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है इंडियन कॉफी का। ऑल्सो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट एक तरीके से बेटर हो सके। कॉफी बोर्ड प्ले करता है एक एडवाइजरी रोल, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इट, एंड उसी के बाद वो कहीं ना कहीं इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कॉफी इन इंडिया, तो 1600 AD में बाबा बुदान प्लांटेड कॉफी बीन्स फ्रॉम यमन, एंड उसके बाद से स्टार्ट हुआ, तो ठीक है, ये थोड़ा हिस्टोरिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इट्स कमर्शियल प्लांटेशन स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश काल, एंड कॉफी टाइप्स की अगर हम बात करें तो अरेबिका एंड रोबस्ता दो देखने को मिलता है। अरेबिका हाई मार्केट वैल्यू रखता है, वाइल रोबस्ता जो है वो मेजरली मैन्युफैक्चर्ड कॉफी होती है विद अ शेयर ऑफ 72% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जहां पर एंटायर कॉफी कल्टीवेशन इज ग्रोन अंडर शेड, हैंडपिक भी किया जाता है एंड सन ड्राइड होता है, एंड शेड ट्रीज प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन ना हो, स्लोपिंग ना हो, ठीक है, एनरिच रहे सॉइल कहीं ना कहीं, रिसाइकलिंग भी न्यूट्रिएंट की हो सके, लेयर बाय लेयर कहीं ना कहीं हम प्रोटेक्शन देख सकें, प्रोटेक्ट करता है कॉफी को सीजनल फ्लक्चुएशन से, ठीक है, ये इसका बेसिकली काम है। अब अबाउट कॉफी एक्ट 1942, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर बेसिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ये आया था, ठीक है, 1942 के अराउंड, एंड ये इससे आया था जिससे हम प्रोटेक्ट कर सके हमारे जो स्ट्रगलिंग इंडियन कॉफी इंडस्ट्री थी उसको बचा सके। एंड थ्रू द एक्ट कॉफी बोर्ड बनाया गया जिससे क्या हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं कंट्रोल के अंदर ये जो कॉफी बोर्ड है ये काम कर सके। अब इंडिया कॉफी प्रोफाइल अगर हम देखें तो इंडिया का कॉफी प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू राइज, ठीक है, वो बड़ा है 15% 2022-2023 के अंदर, एंड कर्नाटका लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है फॉलोड बाय केरला एंड तमिलनाडु, तो सबसे ज्यादा कॉफी हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। कॉफी मेनली एंड एक्सपोर्ट कॉमोडिटी है, 65-70% ऑफ द कॉफी जो हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस होती है हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब डिफरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देख लें तो देखो, अरेबिका एंड रोबस्ता के बीच में आपको पता होना चाहिए कि दोनों कोई डीप फर्टाइल रिच ऑर्गेनिक मैटर वाली, उनको अच्छी खासी सॉइल की जरूरत रहती है। स्लोप की अगर हम बात करें, अरेबिका तो जेंटल टू मॉडरेट स्लोप में कहीं ना कहीं उग सकता है, पर रोबस्ता की अगर हम बात करें तो उनको कहीं ना कहीं फेयरली लेवल फीड्स चाहिए, पर जेंटल स्लोप उनको भी रिक्वायरमेंट है। एलिवेशन 1000-1500 अरेबिका, वेर एज 500-1000 के बीच में रोबस्ता। टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है रोबस्ता को एज कम्पेयर टू अरेबिका, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो रोबस्ता को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू अरेबिका। ऑल्सो एनुअल रेनफॉल पर देखो, अरेबिका को ज्यादा जरूरत रहती है एज कम्पेयर टू रोबस्ता। अब इंडिया कॉफी वेराइटीज एंड GI टैग, तो यहाँ पर बताया गया कि कर्नाटका को कुर्ग अरेबिका एंड बाबा बुदान गिरीज अरेबिका, ऑल्सो चिक मंगलूर अरेबिका, ठीक है, इनके लिए मिला हुआ GI टैग। केरला को मिला है वायनाड रोबस्ता के लिए, वेरस आंध्र प्रदेश को मिला है अराकू वैली अरेबिका के लिए, ठीक है, तो ये तो काफी इजी है, ये आपको याद होने ही चाहिए। टोबैको कल्टीवेशन एंड इन अ फर्स्ट AP मार्क फेट,
ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ने एक्सपोर्ट किया है 120 टन टबैको को यूएस के अंदर, एंड फार्मर्स आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड बायर्स फॉर लो ग्रेड वैरायटीज। तो ये कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट देखने को मिली। अब देखो यहाँ पर टोबैको बोर्ड भी आ गया, स्टैट्यूटरी बोर्ड है, मतलब एक एक्ट के थ्रू बनाया, दैट इज टोबैको बोर्ड एक्ट 1975, जिससे टोबैको ग्रोअर जो है हम उनको फैसिलिटेट कर सकें, ट्रेडर्स को फैसिलिटेट कर सकें, एक्सपोर्टर्स को मदद कर सकें। ठीक है, ये है मेन इनका यही थॉट है कि ओवरऑल क्या करना है, टोबैको ग्रोअर्स को आगे लेकर जाना है, इंडियन टोबैको इंडस्ट्री को और बेहतरीन बनाना है। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड प्राइमरी फंक्शन ये है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन होना चाहिए टोबैको की वैरायटीज का, एंड इट फंक्शन एक्सटेंड टू द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ फ्लू क्यूड वर्जीनिया टोबैको। अब देखो टोबैको कल्टिवेशन इन इंडिया, इंडिया हैज अराउंड 0.45 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड, अगर हम टोबैको कल्टिवेशन की बात करें, विद 9% ऑफ ग्लोबल टोबैको प्रोडक्शन। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टोबैको का प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्राजील के बाद। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो टोबैको इज अ सेमी ट्रॉपिकल क्रॉप, एंड ट्रॉपिकल रीजन में कहीं ना कहीं ये ग्रो होता है। 100 to 120 डेज का इसे फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, एवरेज टेम्परेचर 80 फेरेनहाइट का चाहिए। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होनी चाहिए 88 to 125 mm पर मंथ की, एंड हाई स्पीड विंड कहीं ना कहीं ये टॉलरेट नहीं कर पाता है, ऑल्सो स्ट्रॉम एंड ऑल ये टॉलरेट नहीं कर पाता है। लाइट टू मीडियम लूमी सॉइल इज पुअर इन ह्यूमस कंटेंट बट बेटर इन पोटैश एंड फॉस्फेक एसिड एंड आयरन, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसमें मदद करती है इसको ग्रो करने में। अब टाइप्स ऑफ टोबैको, तो FCV जो कि होता है फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया, उसके बाद सिगार एंड चिरूत, फिर उसके बाद हुका टोबैको, फिर उसके बाद बीडी टोबैको, उसके बाद च्विंग एंड स्टफ, ठीक है। तो इन सब टाइप के टोबैकोज हमें देखने को मिलते हैं। मेजर टोबैको मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। अब देखो रबर बोर्ड एंड रबर प्लांटेशन इन इंडिया की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, रबर एक्ट 1947 के तहत बनाई, 75 ईयर्स इसने कंप्लीट करे हैं, इसलिए ये करंट अफेयर में है। अब रबर बोर्ड की अगर हम बात करें, कोट्टयम केरला के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है। इट इज हेडेड बाय चेयरमैन जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है, एंड इसके अंदर 28 मेंबर्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ रबर इंडस्ट्री, कंडक्ट ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, एंड रेंडर करना एडवाइस सरकार को विद रिस्पेक्ट टू द रबर प्लांटेशन, ये इनका काम है। एंड रिसेंटली रबर बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया अपडेटेड वर्जन एम रूप का, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है रबर के लिए, एंड विच वेंट लाइव फॉर ट्रेडिंग इन जुलाई 2022। तो ये भी याद रखना कि रबर बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था ये पर्टिकुलर एम रूप, जहां पर एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्रोवाइड हो रही है रबर के लिए, उनकी सेल एंड प्रोडक्शन के लिए। अब देखो रबर प्लांटेशन इन इंडिया, इट इज ग्रोन इन द लेटराइटिक या फिर लूमी सॉइल। रबर प्लांटेशन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल क्लाइमेट उनको चाहिए रहता है। एनुअल रेनफॉल उनको 2000 से 4500 चाहिए, एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर भी 25 to 34 डिग्री सेल्सियस, 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये चाहिए। प्रोड्यूसर्स की बात करें, केरला, तमिलनाडु 81% यहाँ पर प्रोडक्शन होता है रबर का, वेरस अदर त्रिपुरा, असम, मेघालय, उड़ीसा, यहाँ पर हमें रिमेनिंग देखने को मिलता है। यूजेस क्या है, देखो मेडिसिनल डिवाइसेस के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए यूज होता है, सर्जिकल ग्लोव्स के अंदर इस्तेमाल होता है, एयरक्राफ्ट एंड ऑल, कार टायर्स, ठीक है, पैसिफायर्स, इनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो एलाइड सेक्टर, इंडिया के अगर हम डेयरी सेक्टर की बात करते हैं तो अभी क्या हुआ था, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट हुई थी 2022 के अंदर। अब फर्स्ट एडिशन इसका 1974 के अंदर आया था, एंड इंडिया के अंदर ये सेकेंड टाइम हुआ है। एंड इट इज अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन डेयरी स्टेक होल्डर्स, जिसके अंदर लीडर्स, फार्मर्स, पॉलिसी प्लानर्स, ठीक है, सब आते। अब देखो डेयरी सेक्टर सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कॉमोडिटी है, कंट्रीब्यूटिंग 5% टू द नेशनल इकोनॉमी, एंड इंडिया फर्स्ट रैंक करता है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। लार्जेस्ट बोवाइन पॉपुलेशन भी इंडिया के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। इंडिया अकाउंट करता है अबाउट 23% ऑफ ग्लोबल मिल्क, अराउंड 210 मिलियन टन एनुअली। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, ये एक बोर्ड है, सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंदर कहीं ना कहीं इसको रजिस्टर किया गया है,
एंड इट वॉज मर्ज्ड विद जो पहले होती थी इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन एक एक्ट के थ्रू, दैट इज NDDB एक्ट 1987, इसके थ्रू इसको मर्ज करके बनाया गया, इस पर्टिकुलर बोर्ड को बनाया गया। अगला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल के अंदर है एंड ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन, एजुकेशन सब कुछ होता है। डेयरी एनिमल्स को कैसे कहीं ना कहीं संभालना है, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कैसा होगा, मिल्क प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती हैं, ऑल्सो प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में ये बताते हैं। अगले इनिशिएटिव्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, किसान क्रेडिट कार्ड टू लाइव स्टॉक फार्मर्स, PLI स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, डेयरी सेक्टर को अच्छे खासे फल फूलने के लिए बनाए गए। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड NGRA, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने अनाउंस किया इसके बारे में, ठीक है, एंड ये जो है वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड्स है इन द फील्ड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर, जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सके, एनकरेज कर सके सारे इंडिविजुअल्स को जो कि इस फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं। अवार्ड इज गिवन इन 3 कैटेगरीज एंड अवार्ड को कन्फर्म किया जाता है अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एंड फेमस मिशन है। अब NDDB हैज लॉन्च्ड NDDB मृदा लिमिटेड, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है NDDB की, एंड वो इसलिए काम करिए कि मैन्योर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं लेकर आ सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फूड प्रोसेसिंग। अब देखो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया, अगर हम फूड प्रोसेसिंग की बात करें इसका मतलब ये है कि आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एंड उसे फूड आइटम बनाने में आप ध्यान दे रहे हो, उसको एक कंज्यूमेबल आप फॉर्म में लेकर आ रहे हो कि हम उसको कंज्यूम कर सकते। सब कैटेगराइजेशन अगर हम इसका समझे, एक होता है मैन्युफैक्चरर प्रोसेस, जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोडक्ट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडिबल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका कोई एक कमर्शियल वैल्यू होगा। वैल्यू एडेड प्रोसेस होता है जहां पर हम एक पर्टिकुलर, जैसे कोई आइटम है आप उसी का क्या कर रहे हो, शेल्फ लाइफ आप रेस कर रहे हो कहीं ना कहीं, है ना, जैसे अचार के अंदर तेल डाल के मम्मी क्या करती है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर देती है, ठीक है, एंड यू आर समवेयर ट्राइंग टू मेक इट रेडी फॉर कंजप्शन, ठीक है, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड प्रोसेस। तो दो तरीके से फूड प्रोसेसिंग हमें देखने को मिलती है। स्टेटस ऑफ इंडियन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ऑल्सो यहाँ पर ग्रोथ रेट हमारा अच्छा 11% का चल रहा है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है हम स्पाइसेस के, एंड इट रैंक्ड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड जूट, ठीक है, सेकंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, थर्ड इन सीरियल्स, 2019 का यहाँ पर डेटा दिया गया है। की इनिशिएटिव है जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम, वो मदद करता है, ऑल्सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पर मदद करने के लिए है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो एशियन पाइन ऑयल अलायंस की यहाँ पर बात करी गई है, ये एक अलायंस है एक तरीके का, ठीक है, बाय एपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन, 5 मेजर पाइन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज की, जहां पर इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है एंड नेपाल है। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैनेज करता है इसकी सेक्रेटेरिएट को, एंड इट इज बेस्ड ऑन द आइडियल कि हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर को कहीं ना कहीं लेकर आना है, हमें इम्पोर्ट्स को सस्टेनेबल बनाना है, ऑल्सो नेगेटिव इमेज पाइम ऑयल की हमें चेंज करनी है, हाई क्वालिटी इकोनॉमिकल हेल्दी वेजिटेबल ऑयल को लेकर आना है, सेफ गार्ड करना है इकोनॉमिक एंड बिजनेस इंटरेस्ट को, ऑल्सो कंजप्शन बढ़ानी है और सब कंट्रीज की, जिससे ज्यादा एक तरीके से बिक्री हो सके। इंडोनेशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का, एंड इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्टर है, ठीक है, तो हमारे देश के अंदर लोग इतना ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं तेल की वजह से ही बढ़ रहा है, है ना। अब देखो पाम ऑयल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एलास ग्यूनिसिस, दूसरा होता है एलास ओलिफेरा, ठीक है, दोनों अलग अलग जगह, पहला वाला जो है ग्यूनिसिस वाला वो अफ्रीकन ऑयल है, वेरियस अगर हम ओलिफेरा वाला बात करते हैं वो इंडिजीनियस है साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका के। एडिबल वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम द पाम फ्रूट, ठीक है, वो भी है। उसके बाद रिच होता है ये विटामिन ए, ई एंड इसके अंदर कोई भी ट्रांस फैटी एसिड जो होता है वो नहीं होता, एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये सब है। चलो अगला देखते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज या पैक्स। अब ये काफी जरूरी है, ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव जो कि 2022 के अंदर हुआ, यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि पैक्स जो है वो सारे पंचायत के अंदर देश के अंदर आया जाएगा। पैक्स क्या है,
रजिस्टर्ड किए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में एंड ये इनपुट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर काइंड. एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स ऑन हायरिंग बेसिस एंड ऑल्सो स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होती है. दे कंस्टिट्यूट द लोएस्ट टीयर ऑफ थ्री टीयर शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट हमारे देश के अंदर कंप्राइजिंग ऑफ अराउंड 13 करोड़ फार्मर्स एज इट्स मेंबर्स. अदर टू टीयर की अगर हम बात करें तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें देखने को मिलते हैं. पैक्स आर आउटसाइड द व्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, हेंस आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करती. देखो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का अगर आप समझेंगे कि क्या जरूरी है, यही है कि पैक्स जो है आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन 1949 है. ऑल्सो इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द आरबीआई. आप सोचेंगे शायद आरबीआई कर रहा होगा, आरबीआई नहीं कर रहा. कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया कंप्यूटराइजेशन पैक्स का, जिससे हम इंक्रीज कर सके एफिशिएंसी को, ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इनको बना सके. अगला देखो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन. अब ये जो कमीशन है कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स बनाई गई, ठीक है. इन्होंने रेकमेंड किया कि क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाने चाहिए नटमेग के लिए, ठीक है, सैफरन के लिए, चिली पेपर के लिए, पेपरिका के लिए, ये सब किचन में आपने देखे होंगे, आपकी मम्मी इस्तेमाल करती होंगी, ठीक है, इन सब के लिए. अब ये जो है ये जो पर्टिकुलर कमीशन है इसको ये चीज फॉरवर्ड कर दी गई. तो ये जो कमीशन है इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड कोड, जैसे हम प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस कंस्टिट्यूट टू द सेफ्टी क्वालिटी एंड फेयरनेस ऑफ द इंटरनेशनल फूड ट्रेड, उनको देखती है, ठीक है. एंड इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर हेल्थ एंड रिमूविंग बैरियर्स टू द ट्रेड. कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो कमीशन है वो बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स जो भी जॉइंट फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हो रहे हैं एंड WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम के रिगार्डिंग हो रहे हैं. मेंबरशिप ऑफ द कमीशन ओपन है सारे मेंबर नेशंस के लिए, एसोसिएट मेंबर्स के लिए. एंड द कमीशन मीट्स इन रेगुलर सेशन, वंस इन ए ईयर मिलती है, ऑल्टरनेटिंग बिटवीन जेनेवा एंड रोम एंड वर्क्स इन द 6 UN ऑफिशियल लैंग्वेजेस. की कंसेप्ट देख लेते हैं. 11th एग्रीकल्चरल सेंसस हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसको बेसिकली लॉन्च किया करा था. एंड एग्रीकल्चर सेंसेस जो है वो बहुत टाइम से आ रहा है, ऐसे नहीं कि ये पहली बार हुआ है. सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है, ठीक है, एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड सेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ FAO. अब इट इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरियस वेराइटीज, ठीक है, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये सब यहाँ पर इंक्लूड होता है. ड्यूरिंग द 11th सेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा स्मार्टफोन्स के अंदर, टैबलेट का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे फास्टर एंड एक्यूरेट वे में कहीं ना कहीं एन्यूमरेशन हो सके. अगला देखो ऑर्फन क्रॉप्स. ऑर्फन क्रॉप वो होते हैं ज्यादा जिनको निगलेक्ट कर दिया जाता है या फिर जो अंडर यूटिलाइज होते हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर सीरियल, फ्रूट्स एंड नट्स, वेजिटेबल, पल्स क्रॉप, रूट, ठीक है, ट्यूबर क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, स्टार्च, शुगर, फाइबर, लेटेक्स, डाइस, ये सब क्या है, ऑर्फन क्रॉप्स है. अगला देखो कॉमोडिटीज मार्केट आउटलुक. वर्ल्ड बैंक ने इसको रिलीज किया कि इंक्रीज हो गया इन दी एनर्जी प्राइसेस ओवर द 2 years. अगर हम 1973 की बात करें, ठीक है, इट हैज बीन लार्जेस्ट सिंस द 1973 ऑयल क्राइसिस. तो वहां पे हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला था. अभी जो है एनर्जी प्राइसेस काफी हाई हो गए हैं उसके बाद. प्राइस इंक्रीज फॉर कॉमोडिटी फूड कॉमोडिटीज एंड फर्टिलाइजर हैव बीन द लार्जेस्ट सिंस 2008, ठीक है. तो प्राइस इंक्रीज फॉर द फूड कॉमोडिटीज काफी ज्यादा है. ग्लोबल फूड एंड फ्यूल प्राइस शॉक्स लिंक्ड टू द वॉर आर सेट टू लास्ट अंटिल एटलीस्ट 2024. तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था उसके वजह से भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है अगर हम ग्लोबल फूड एंड फ्यूल प्राइसेस की बात करते हैं. अगला देखो रिवार्ड प्रोजेक्ट, रिज्यूविनेटिंग वॉटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंट थ्रू इनोवेशन डेवलपमेंट. एंड ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के अंदर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये काम करता है. एम है कि प्रमोट करना रिसोर्स एफिशिएंट ग्रोथ को, इन्वेस्ट करना ह्यूमन कैपिटल के अंदर, ऑल्सो साइंटिफिक एंड टेक्निकल पार्टनर्स को फॉर्म करना, ठीक है, ये काम है. पोटेंशियल बेनिफिट, इट हेल्प नेशनल एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस जिससे वो क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके अपने वाटर शेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, फार्मर्स को मदद कर सके कि वो क्लाइमेट चेंज से परेशान ना हो, उससे कहीं ना कहीं डटकर खड़े रहें, एंड हायर प्रोडक्टिविटी, हायर इनकम कहीं ना कहीं हम उनको अश्योर कर सके. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO लेकर आया फूड प्राइस इंडेक्स,
तो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, मंथली चेंज हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज के अंदर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ एवरेज ऑफ 5 कमोडिटी ग्रुप्स, जो कि है सीरियल, शुगर, मीट, वेजिटेबल, ऑयल एंड डेयरी। एंड FAO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर कहीं ना कहीं अपना एक मेन मोटो रखती है। अगला देखो, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर लेकर आया। एंड यहाँ पर यह कि हम सपोर्ट करेंगे यूजिंग द रडार इमेजिंग सैटेलाइट दैट इज RISAT एंड विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्कीवियल सिस्टम वेदास, हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। अभी जो RISAT है, ये न्यू क्लास ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, काफी यूजफुल है। एंड हो सकता है कि जो RISAT है वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो PT365 है उसके अंदर एक तरीके से शेयर भी करी हो। अगला है वेदास। वेदास एक प्लेटफॉर्म है डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गाइडलाइंस के लिए, जिससे हम यूटिलाइज कर सकें इंफॉर्मेशन को डिराइव्ड ओवर लैंड यूजिंग मेनली इंडियन स्पेस बॉर्न सेंसर्स। अब यूज ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड डेटाबेसेस वुड एनहांस एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये इनका बेसिक काम है। अगला देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। अब मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने बेसिकली सपोर्ट किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को इन एसोसिएशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अब ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सकें, यंग ऑडियंस को टारगेट कर सकें, ग्लोबल मार्केट तक इस चीज को लेकर आ सकें। सेंटर हैज बीन सेट अप एज अ हब एंड स्पोक्स मॉडल। ठीक है, कि क्या कर रहे हैं, बेसिकली हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। खादी क्लॉक जो है, इट मस्ट बी बोथ हैंड वूवन भी, हैंडस्पन भी चलेगी। एंड खादी मार्क रेगुलेशन 2013, द KVIC इश्यूज की खादी मार्क टैग्स एंड लेबल्स होने ही चाहिए। ठीक है, जो भी लोग इसको सेल कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनको इसको देखना ही होगा। KVIC स्टैचुटरी बॉडी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के अंदर वर्क करती है। एंड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसका काम ये है कि जो खादी है उसकी इंडस्ट्री और फल फूल सके हमारे देश के अंदर ज्यादा एक तरीके से प्रमोशन हो जाए। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप, तो FAO इसको लेकर आया। ठीक है, एंड इट अलाइंस 2021 डिक्लेरेशन सस्टेनेबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर ऑफ कमिटी ऑन फिशरीज के ऊपर जो था, जो कि एक स्टैचुटरी बॉडी है FAO काउंसिल की। ठीक है, तो उसके साथ आया। एंड अगर हम ये COFI की बात करते हैं, कॉफी की बात करते हैं, ठीक है, कमिटी ऑन फिशरीज की बात करते हैं, तो ये इकलौती ओनली ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है वेयर FAO मेंबर्स मीट टू रिव्यू एंड कंसिडर इशूज एंड चैलेंजेस जो कि फिशरी से रिलेटेड एक्वा कल्चर के रिगार्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। ऑर्गेनिक आधार, एपेडा इज लाइकली टू रोल आउट द ऑर्गेनिक आधार फार्मर्स के लिए जो कि एंगेज हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। आइडिया यही है कि हम क्या करें, हमें ज्यादा परेशान न करना पड़े फार्मर्स को, इज टू क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर फार्मर जो कि उनके पर्सनल आधार के ऊपर बेस्ड होगी, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर उनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, एंड 14 डिजिट नंबर होता है ये बेसिकली, जो कि एवरी प्लॉट ऑफ लैंड के बेसिस पर अलॉट किया जाता है। अगला है क्रॉप इंश्योरेंस। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने सेटअप किया 2 कमेटी को अंडर CS Murthy, जिससे क्या कर सके हम नेशन वाइड इंप्लीमेंटेशन कर सकें टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप यील्ड का एंड स्टैंडर्डाइजेशन कहीं ना कहीं लेकर आ सके, वेदर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बना सके। कमेटी हैज बीन टास्क्ड कि वो हेल्प करे इन क्रिएशन ऑफ प्रपोज्ड वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, ठीक है, जिसको विंड्स कहते हैं, एंड अंडर विच द सिस्टम, ये जो AWS वाला सिस्टम है ये वर्क करेगा, ऑल्सो ARG वाला जो सिस्टम है ये वर्क करेगा। कृतज्ञ 3.0, अब ये जो है ये नेशनल लेवल हैकाथॉन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, कहीं ना कहीं देख सकते हैं हमारे देश के अंदर ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी बढ़े, रेजिलियंट बढ़े क्रॉप प्रोडक्शन की इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये आया है। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को, एंटरप्रेन्योर्स को, इनोवेटर्स को, ठीक है, कि वो इसके रिगार्डिंग देख सके। ऑल्सो एनकरेज करता है ग्रेटर अडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को एंड ऐसे सोल्यूशन अब लेकर जाए जहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा खासा हो रहा है, इसके बारे में ये बात करता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च विद नेशनल एग्रीकल्चरल हाई एजुकेशन प्रोजेक्ट एंड क्रॉप साइंस डिविजन।
अगला है ई नाम, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स POPs अंडर ई नाम। अब ये जो POP है ये फार्मर्स को मदद करेंगे कि वो अपने प्रोड्यूस को कहीं ना कहीं सेल कर सके बियॉन्ड द स्टेट बाउंड्री। ये फार्मर की जो एक्सेसिबिलिटी है डिजिटली उसको डबल कर देगा, मार्केट में कहीं ना कहीं वो दूर तक पेनिट्रेट कर पाएंगे, बेटर कहीं ना कहीं अपने सामान को कहीं ना कहीं वो रख पाएंगे। ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी होगी ट्रेड ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। ई नैम की अगर हम बात करें, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ पोर्टल जो कि कहीं ना कहीं क्या करता है, विच नेटवर्क्स एग्जिस्टिंग APMC मंडीज, जिसे एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट किया जाए। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम भी लीड एजेंसी है जो कि ई नैम को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करती है अंडर दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर की बात करें, उन्होंने इनॉग्रेट किया इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल। अब ये जो पोर्टल है ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है एंड वन स्टॉप पोर्टल है एग्री इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे वो क्या कर सके, बेनिफिट्स उठा सके एंड सरकार की जो स्कीम्स हैं वो भी उन तक पहुंच सके, इसके लिए पर्टिकुलरली आया है। एम है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, हैंड होल्डिंग प्रोसेस को बढ़ाना, टैप करना पोटेंशियल को सब सेक्टर्स का, ऑल्सो फोकस करना सेक्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर मशीनरी, सीड, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल, ठीक है, इन सब के ऊपर ध्यान देना। चल अगले पर्टिकुलर लेक्चर में हम इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा तो डू हिट लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।